व्यापार सुरक्षा प्रकोष्ठ की बैठक एसपी क्राइम अशोक कुमार वर्मा की अध्यक्षता में पुलिस लाइन स्थित सभागार में संपन्न हुई। बैठक में व्यापारी नेता संजय सिंघानिया, विशाल गुप्ता सहित अन्य व्यापारी और संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में व्यापारियों के विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की गई और पिछले मीटिंग में उठाए गए बिंदुओं पर अब तक की गई कार्रवाई की समीक्षा की गई। बैठक में व्यापारियों की सुरक्षा, अवैध कच्ची शराब की बिक्री को रोके जाने सहित अन्य समस्याओं पर व्यापारियों ने अपना पक्ष रखा, जिस पर एसपी क्राइम ने उसके समाधान का आश्वासन दिया। बैठक के संबंध में गोरखपुनी से बात करते हुए एसपी क्राइम अशोक कुमार वर्मा ने बताया, बात किया गया, बगल में जो बंधा यही मेन उसमें खास तौर से मतलब ये आप सबकी जानकारी के लिए इस संबंध में ऑपरेशन गरण पूरे जिले भर में चल रहा है। गर्द मतलब आप लोग जान ही रहे हैं, तो हर थाने पर एक सब इंस्पेक्टर को जिम्मेदार बनाया गया है कि आप इसी बात की जानकारी करेंगे कि कहाँ ऐसे अवैध शराब बन रहे हैं, बिक्री हो रहा है। अभी तभी मीटिंग बन चला जाए, तभी मीटिंग में कप्तान साहब ने मीटिंग लिया तो ऑपरेशन गर्द पूरे जनपद भर में और सभी थानों पर एक सब इंस्पेक्टर एसओ के अलावा नियुक्ति की गई है कि इसी काम को देखेंगे। विशेष अभियान चल रहा है, विशेष इस पर ध्यान दिया जा रहा है और जो बता रहा हूँ अंतर से सबको जानकारी है। नहीं, वहाँ कार्रवाई होती रहती, कार्रवाई होती रहती, इसमें वो मानते नहीं है ना। आज वहाँ के जेल गए उनका धंधा चलता रहा, सरकार आएंगे जाएंगे बगैर कोई फर्क नहीं पड़ा। 25 में बराबर अभियान चलता रहा, कंटिन्यूस चलता रहा, तो वो खबर धंधा भी चाह रहे ना औरतों से लेके अपना भी चाह रहे, वो अपना धंधा चला रहे, हम लोग अभियान भी चला रहे हैं। जैसे अपना विचार है, मैं किसी और विचार से नहीं लेना चाहता। जैसे कि जो घटनाएं कटी शराब वाली जैसे आपने कहा लिख करके दी थी, ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं कि जो लिख करके देने में पता चलता है कि वहाँ के ही थाने का जो सिपाही रहेंगे कहेंगे फलाने शिकायत आपकी की है। यहाँ सभी लोग जिम्मेदार पर पता चलेगा कि वो फलाने ने शिकायत किया है। अरे यार जरा सब जो आप इनको दवा दारू दिलवाओ, थोड़ा सा परेशान हुए लोग बताइए, घूट मोड़ के परेशान हो जाएंगे। नए गाँव में जानकारी है, सबको जानकारी है। जी हाँ, ये शासन और ये हमारे डीजीपी साहब के मंशा के अनुरूप प्रत्येक माह की भांति इस बार भी व्यापारी सुरक्षा प्रकोष्ठ की मीटिंग ली जा रही है। यही कि उद्देश्य यही है कि व्यापारी बंधुओं को अगर किसी बात को लेकर शिकायत है, उनके किसी ने कोई मुकदमा लिखवाया हो, उस मुकदमे में कार्रवाई हो रही नहीं हो रही है, ऐसे बहुत ढेर सारे मुद्दे जो व्यापारी बंधुओं से संबंधित हैं, उसी के संबंध में हम लोग यहाँ बैठते हैं, जानकारी करते हैं। और आज अभी नए मुद्दे नहीं आए, नए मुद्दे पर भी चर्चा हम लोग करने जा रहे हैं। पिछले पहले के जो मामले थे उन्हें पर विचार किया जा रहा है, उसमें क्या क्या कार्रवाई हुई है, थानों से क्या जानकारी प्राप्त हुई है, उसके निस्तारण के बारे में बताया जा रहा है। सर, एक मामला है अवैध शराब का, कच्ची शराब का, इस तरह का मामला। जी जी, उस पर क्या कार्रवाई हुई है? नहीं, कार्रवाई तो बराबर चल रही है, कार्रवाई बराबर चल रही है। और इस संबंध में बताना भी चाहेंगे कि पूरे जनपद में ऑपरेशन गरल के नाम से एसएसपी महोदय के आदेशानुसार ये अभियान विगत 2 महीने से खास तौर से चलाया जा रहा है, गरल नाम से। और इस अभियान के तहत प्रत्येक थाने पर एक उपनिरीक्षक की नियुक्ति है और एक थाना अध्यक्ष तो देखते ही हैं, और ये उपनिरीक्षक विशेष तौर से उनकी ड्यूटी लगाई गई है।
और जहाँ जहाँ ऐसे अवैध शराब का निष्कर्षण या बनाया जा रहा है या पैकिंग की जा रही है, बॉटलिंग की जा रही है, जो भी चीज़ें संज्ञान में आता है तो कार्रवाई भी हो रही है।